नासिक से नासिक प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट राहुल वर्मा उपस्थित सभी माननीय सभी लोगों ने पूछ किया। बेसिकली गवर्नमेंट का फेलियर था टू ग्रो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे मध्य मड़ा गया है। लिटरिंग इज बैड नॉट प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने 2006 में जो ये रूल लाया रेगुलेशन लाया था उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट भी था। इन्होंने 2018 तक कितने लोगों को पनिश किया इसके अगेंस्ट में, कितना फाइन जमा किया, उसका क्या किया, उसका कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। आज पब्लिक प्लेसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी डस्टबिन का अरेंजमेंट नहीं है। वेयर डू वी डिस्पोज द वेस्ट? कहीं पे भी नहीं। सो वी शुड रियलाइज द गवर्नमेंट की ये दिस इज नॉट द एनवायरमेंट प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक, दिस इज द लिटरिंग प्रॉब्लम व्हाट वी हैव क्रिएटेड फॉर आवरसेल्फ। थैंक यू सर। जैसे भरत भाई ने बोला विधानसभा में, अभी सभा चालू थी विधानसभा में, कम से कम 5-6 दिन रहे और रोज देखते 250 ml की बॉटल वहां जोर से चल रही है। हर मंत्री के पास 250 ml की बॉटल है जो कि बैन थी। अवेलेबल रामदास कदम जी के ऑफिस में भी वही अवेलेबल, सब जगह वही अवेलेबल है। तो ये क्या है, सरकार जवाब देने को तो तैयार कभी होती ही नहीं है। जवाब लेना, अब ऐसा मेरे को लग रहा है पहली बार ऐसा लग रहा है ये प्लास्टिक बैग को उंगली करके इन्होंने अब जवाब देने का टाइम आ गया है। और एक दूसरा जो वेस्ट कलेक्शन होता है इनका, जो भी रोज अपने यहाँ से जो डीएमसी कलेक्शन करती है, बहुत सारी सोसाइटीज में इन्होंने बोला हुआ है कि आपका वेट और ड्राई वेस्ट अलग अलग होना चाहिए। आप जब लेकिन वो वेट और ड्राई अलग अलग उनको देते हैं, उसमें से वो क्या करते हैं, जो भी उनके मतलब का जो प्लास्टिक होता है उसके खुद के बीएमसी के कर्मचारी उसमें से निकाल लेते हैं और सब वेट और ड्राई वेस्ट एक ही साथ कचरे की गाड़ी में भरा जाता है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज लाइंग देयर सर। बीएमसी ने ड्राई वेस्ट इकट्ठा ही नहीं करना है, ये कायदा है। खाली वेट वे और वेस्ट वे भी आपका कंपोस्टर, आपको कंपोस्टर लगाना है जो नया लॉ में है कि हर सोसाइटी को कंपोस्टर लगाना है और आपको कंपोस्टिंग खुद को करना है। मतलब ये तो इकट्ठा कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। तो लेट्स नॉट पॉइंट आउट दैट पॉइंट। ये हर चीज आपके ऊपर, एवरी प्रॉब्लम ऑफ देयर वो इवेंचुअली पुट ऑन टू योर हेड। ये जितनी भी झोपड़पट्टी है किसी